क्या आप भी अपनी जिंदगी से ऐसे ही परेशान हैं? क्या लेजीनेस के वजह से आपको भी कुछ करने का दिल नहीं कर रहा? कल मेरा एक दोस्त ने मैसेज किया और उसने बताया कि किस तरीके से हम लेजीनेस से ऊपर उठे। मैं रात में जाता हूँ सोने के लिए, सुबह उठने का दिल ही नहीं करता। काम पर जाता हूँ लेकिन काम भी मजबूरी से हो रहा है। कि किस तरीके से हम ऐसा एक्टिवनेस अपने अंदर लेकर आ सके कि हम काम में अपना 100% दे सके, हम जो भी काम कर रहे हैं उसको फुल हैप्पीनेस के साथ कर सके, कुछ मोटिव के साथ कर सके। दोस्तों, हम अपने आज के इस वीडियो में ऐसे ही 8 पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो 8 पॉइंट्स है लेजीनेस के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किस तरीके से हम इसके ऊपर उठ सकते हैं, अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो कौन से 8 पॉइंट्स है जो आपके लाइफ में आप उसको इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हो और उससे ओवरकम कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले ऐसे कुछ कंडीशंस हमारे लाइफ में आ जाते हैं, ऐसे कोई सिचुएशन अकर हो जाते हैं हमारे लाइफ में जिसकी वजह से दोस्तों अब हमारा कुछ करने का दिल ही नहीं करता। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जिस स्टोरी में आप ये देखोगे कि किस तरीके से वो लड़का, उसको एग्ज़ाम देने का दिल ही नहीं करता, उसका रीज़न क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं इस स्टोरी को, उसके बाद हम कंटिन्यू सारे पॉइंट्स को समझेंगे कि किस तरीके से इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। बहुत ही इजी है दोस्तों, बिकॉज इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ दुनिया में होती ही नहीं है। तो दोस्तों, ये स्टोरी है, एक परिवार में दो भाई रहा करते थे। दो भाई में से जो छोटा भाई होता था वो बस सोते रहता था, उसको कोई काम करने का दिल ही नहीं होता था। उसने 12वीं में 5 बार एग्ज़ाम दिया और 5 बार फेल हो गया। एक बार उनके रिश्तेदारों का उस लड़के के घर में जाना होता है। बड़े भाई से रिश्तेदार पूछते हैं कि बोले आपका छोटा भाई करता क्या है, इसकी पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है। बड़ा भाई बताता है कि बोले ये एग्ज़ाम के लिए जाता ही नहीं है, इसको कुछ पढ़ने का दिल ही नहीं करता, बस खाता है पीता और बस आराम करता है, उसको लाइफ में और कुछ करना ही नहीं है। उससे मोटिव पूछो लाइफ का तो बोलता है कि देखा जाएगा, बाद में कर लेंगे। रिश्तेदार उस लड़के के पास जाता है और उससे जाकर पूछता है क्या बात है, तुम एग्ज़ाम के लिए तैयारी क्यों नहीं करते, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते, क्यों तुम्हें लाइफ में आगे नहीं बढ़ना। तो वो छोटा भाई उसका कहता है कि मैंने 12वीं का एग्ज़ाम 5 बार दे चुका हूँ और हर बार मैं फेल हो जाता हूँ। तो वो उससे पूछता है कि तुम पढ़ाई कैसे करते हो। तो वो कहता है कि मैं जो भी आंसर्स होते हैं उसको याद करने की कोशिश करता हूँ, कि मैं उसको माइंड में याद कर लूँ और बस जाकर लिख कर आ जाऊँ। और फिर उसका छोटा भाई बोलता है कि जब तक मैं एग्ज़ाम में जाता हूँ मैं वो पॉइंट्स ही भूल जाता हूँ, वो आंसर्स ही भूल जाता हूँ कि मुझे लिखना क्या है। तो वो रिश्तेदार हंस पड़ता है और उससे कहता है कि इस जो 10th क्लास 12th क्लास या फिर आप जिस भी लेवल पर हो, कभी भी आप उसको याद मत करो, उसको माइंड में सेट मत करो, उसको समझने की कोशिश करो। वो पूछता है मतलब कैसे, छोटा भाई उससे पूछता है मतलब क्या करना होगा। तो वो उससे कहता है कि आपको याद नहीं करना, आपको उसको समझना है कि अगर वो बुक लिखी गई है तो कोई ना कोई रीज़न से लिखी गई है, आपके लिए लिखी गई है, तो आप उसको पढ़ो, उसको समझो उसमें क्या लिखा है। तो वो इंटरेस्टिंग के साथ बुक्स को पढ़ने लग जाता है, इसी तरीके से वो बुक्स को समझने लगता है और उसके आप में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। उसके बाद वो जाता है एग्ज़ाम लिखने के लिए, रेगुलर अपने कॉलेज जाता है और एग्ज़ाम लिखता है। फाइनली जब रिजल्ट आउट होता है तो दोस्तों वो 95% स्कोर कर पाता है। तो उससे ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं हम लेजीनेस कोई ना कोई इंसिडेंट से भी हो जाते हैं, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमारा काम करने का दिल ही नहीं होता। ज़्यादातर ये होता है सोचने की वजह से, हम इतना सोच लेते हैं कि कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बचती। जिस तरीके से इसका छोटा भाई जब जाकर के एग्ज़ाम लिखता है तो उससे पहले उसका माइंड में एक चीज़ क्लियर होती है कि उसे समझना है, उसे रट्टा नहीं मारना, उसे याद नहीं करना है ऐसे। इसी तरीके से अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो जाए तो ये मत देखो कि हुआ क्या, उसे कुछ सीखने की कोशिश करो, उससे कुछ ना कुछ आप सीख लो ताकि आप उससे आगे बढ़ सको और वहीं पर मत रुको। एक तो हो गया आपका सिचुएशन की वजह से आप लेजीनेस हो गए, आपका कुछ करने का दिल नहीं होता, तो उसको मूव ऑन करो, वो पास था उसको भूल जाओ और बस आप आगे बढ़ने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। सेकंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो होता है मील, आप खाते कैसे हो। मतलब हम कुछ भी खा लेते हैं, बस बाहर निकले और हमारा दिल क्या खा लिया, ना टाइम पर हमारा खाना है ना पीना है दोस्तों। तो अगर हम एक टाइम टेबल बना लें कि हमारे लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग अगर हमारी हो जाए तो दोस्तों हमारे अंदर लेजीनेस नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल सोने के टाइम अगर आप चाय पी रहे हो तो दोस्तों आपको नींद आएगी चाय पीने के बाद। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने मील्स में भी बहुत सारा आगे से पीछे करते हैं जिसकी वजह से लेजीनेस के हम कारण बन जाते हैं। तीसरा दोस्तों एक्सरसाइज, जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है,
क्या हम सुबह उठकर या शाम में या फिर दिन भर में कोई ऐसा टाइम अपने लिए निकालते हैं कि हम एक एक्टिव एक्सरसाइज कर सके, एक ऐसा एक्सरसाइज कर सके जिससे हम मेंटेन रख सके अपने आप को कुछ करने के लिए फिट रख सके। तो दोस्तों, एक्सरसाइज भी एक बेसिक रीज़न होता है लेजीनेस का। अगर हम एक प्रॉपर एक्सरसाइज करने लग जाए लाइफ में, तो हमारे अंदर जो ब्रेन होता है वो सही से काम करना स्टार्ट करता है। दोस्तों, इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है नेगेटिविटी का, कि अगर हम कुछ करेंगे तो फेल हो जाएंगे, हमें रिस्क नहीं लेना, आगे बढ़ के कुछ होता नहीं है, जॉब मिलती नहीं है। ऐसे ऐसे नेगेटिविटी अगर हमारे अंदर होंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा हमें पॉजिटिव साइड देखना है कि हमें सिर्फ पढ़ाई इसलिए नहीं करने कि हमें जॉब मिलेगी। पढ़ाई से ये होता है कि हमारा जो माइंड है वो चलने लगता है, वो बारीक से बारीक चीज़ों को समझने लगता है। जो हमारे आसपास चलता है वो उससे एडवांस जो हमें सिखाता है वो होता है एजुकेशन। हम सिर्फ इसके लिए नहीं पढ़ना है कि हमें जा करके पेपर पे राइट करके आ जाना है, हमें इसलिए पढ़ना है कि हम उससे कुछ सीखेंगे। और जब आप उससे कुछ सीखोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ऐसे आइडियाज़ आएंगे कि आपको सिर्फ आपको जॉब नहीं करना पड़े बल्कि आप हज़ारों को जॉब दे सको। पढ़ाई आपको इस लेवल तक लेकर जा सकती है, बस आप पढ़ाई को दिल से समझो। दोस्तों, इसके बाद जो फाइव जो हमारा स्टेप आता है, जो भी करना है दोस्तों आज की डेट में करो, हम कल में डालते रहते हैं, जिसके वजह से हमारा मोटिवेशन ही एंड हो जाता है और हमें कुछ करने का दिल ही नहीं होता। तो अगर हम जो करना है उसकी प्लानिंग है, इस पर अगर हम प्लानिंग चले, हम आगे बढ़े, तो हम दोस्तों बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो आपको प्रॉपर प्लानिंग बनानी है, उसके हिसाब से एक्ट करना है, रुकना नहीं है दोस्तों। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, वो होता है कमिटमेंट, और आपको जो पसंद है वो आपको करना। क्या आपको जो पसंद है वो आप कर रहे हो? क्या आपके दिल में जो डिज़ायर है, आप जो चाहते हो, आप जो लाइक करते हो, क्या आपने वो सही से सिलेक्शन किया है? आपको वो करने में मज़ा आ रहा है? क्योंकि अगर आपने आपका डिज़ायर, आपका लाइक, आपको जो भी पसंद है, अगर आपने वो सेलेक्ट नहीं किया और उसके अंदर अगर आपने कुछ नहीं किया, तो आपको मज़ा आएगा ही नहीं काम में। आपको अपना डिज़ायरेबल चीज़ें करना है। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो ज़रूर आपको उसके अंदर जाना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको आपकी कंडीशन जैसी भी हो दोस्तों, आप एक सही एक्शन ले सकते हो अपने लाइफ में। आठ जो पॉइंट है दोस्तों, आठवां नंबर का जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन रीज़न यही होता है कि हमारे लाइफ में गोल नहीं होता है। तो अगर एक सही गोल हो हमारे लाइफ में, एक पर्टिकुलर रीज़न हो, पर्पस हो दोस्तों, तो हम ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया में जितने लोगों ने जो कुछ किया है दोस्तों, उसके पीछे एक रीज़न है, एक पर्पस है, एक गोल है। अगर वो गोल उनके पास नहीं होता तो वो भी फिर लेजीनेस, बस घर पे पड़े रहते, उनको भी बस ज़िंदगी जी कर जाना होता, वो भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये गोल, एक पर्पस हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बगैर हम सो नहीं पाए, जिसके बगैर हमें कुछ भी करने का दिल नहीं हो। जिस तरीके से इंसान के लिए खाना ज़रूरी है, इसी तरीके से इंसान के लिए गोल भी ज़रूरी है। अगर खाना पेट भरता है तो गोल उसका सेटिस्फेक्शन, उसका एटीट्यूड और उसकी आगे बढ़ने की वजह बनती है। तो दोस्तों, आज से हम लेजीनेस को करते हैं बाय और अपने लाइफ को करते हैं एक्टिव। और ऐसे ही वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।